नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम में कितना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार हर तीन तीन महीने से पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट को चेंज करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, जिसको POSP बोलते हैं। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट आपको अभी भी 4% मिल रहा है, जबकि बैंकों में यह इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट केवल 500 रुपये देकर खुलवा सकते हैं। इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वह साल में एक ही बार आपके खाते में क्रेडिट किया जाता है, और जो कैलकुलेशन होती है वह महीने की 10 तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक जो मिनिमम बैलेंस होता है उस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके आगे हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD के बारे में। इसके अंदर आप हर महीने कुछ निश्चित राशि जमा करवाते हैं, जो कि 5 साल बाद में आपको एक साथ वापस मिलती है। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट अब 5.8% मिलेगा। यदि आप 1,000 रुपये पर मंथली जमा करवाते हैं तो 5 साल बाद में आपको 69,697 रुपये यहाँ पर आपको मिलेंगे। यदि आपकी पहले से RD चल रही है तो आप उसको आगे कंटिन्यू भी करवा सकते हैं, और इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस की एक और पॉपुलर स्कीम है, जिसको फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। इसके अंदर आप मिनिमम अमाउंट 1,000 से अपना खाता खुलवा सकते हैं। यदि आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए FD करवाते हैं तो आपको 5.5% ब्याज यहाँ पर मिलेगा, और यदि आप 5 साल के लिए FD करवाते हैं तो आपको 6.7% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलेगा। यदि आप 1,00,000 रुपये को 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपको 5 साल बाद में 1,34,351 रुपये आपको पेमेंट करेगा। एक और मोस्ट पॉपुलर स्कीम है MIS। यदि आप अपनी FD करवाकर हर महीने उस पर ब्याज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना खाता MIS में खुलवाना होगा। इसके लिए मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये है, मैक्सिमम अमाउंट एक व्यक्ति के लिए 4.5 लाख, और यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो 9 लाख तक खुलवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको 6.6% मिलेगा। यदि आप 1,00,000 रुपये के डिपॉजिट करवाते हैं तो मंथली आपको 550 रुपये ब्याज यहाँ पर मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी आयु 60 साल से अधिक है, तो आप SC SS अकाउंट को खुलवा सकते हैं। यह स्कीम केवल 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए हैं, और यदि आप रिटायर्ड हो रहे हैं तो आप कुछ शर्तों के साथ में पहले भी इसको खुलवा सकते हैं। इन सभी स्कीम्स के वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं, जिसकी प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर अभी भी आपको इंटरेस्ट रेट 7.4% मिलेगा, और यदि आप 1,00,000 रुपये के डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको हर क्वार्टर के एंड में 1,850 रुपये ब्याज यहाँ पर दिया जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको NSC बोलते हैं। यदि आप इनकम टैक्स के पर्पज़ से पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो यह सबसे बेस्ट स्कीम है। इसको आप मिनिमम 1,000 रुपये से खुलवा सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.8%, और आपको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट भी मिल जाएगी। यदि आप 1,00,000 रुपये को 5 साल के लिए यहाँ पर जमा करवाते हैं तो आपको वापस 1,38,949 रुपये मिलेंगे, लेकिन आप इसको किसी भी कंडीशन में प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा एक पोस्ट ऑफिस की बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF बोलते हैं। मिनिमम अमाउंट यहाँ पर 500 रुपये होगा, और मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 15 साल की होती है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 7.1% के हिसाब से मिलेगा, और जो पैसा आप इस PPF के अंदर क्रेडिट करवाएंगे वह आपको इनकम टैक्स के अंदर छूट के लिए भी काम आएगा। इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी यहाँ पर टैक्स फ्री है। यदि आपकी कोई बेटी है जो 10 साल से छोटी है तो आप उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस SSA अकाउंट के अंदर मिनिमम अमाउंट आपको 250 रुपये की आवश्यकता होती है, और सालाना आपको वह 250 रुपये जमा भी करवाने होते हैं। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट अब भी 7.6% के हिसाब से मिलेगा। इस खाते के अंदर जो राशि आप जमा करवाएंगे उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स के अंदर ATC के अंदर छूट मिल जाएगी। यह अकाउंट केवल आपकी बेटियों के लिए ही है। यदि आप अपना पैसा डबल करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट स्कीम है, जिसका नाम है किसान विकास पत्र या KVP। इसके अंदर मिनिमम अमाउंट आपको 1,000 रुपये देना होगा, मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट जनवरी से लेकर मार्च 2021 के बीच में 6.9% के हिसाब से मिलेगी,
और यदि आप इस दौरान अपना 1,00,000 रुपये यदि जमा करवाते हैं तो आपका पैसा 10 साल और 4 महीने के अंदर डबल होकर 2,00,000 हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।